राजीवगंज पुलिस ने किया खुलासा। एरिया थाना के केरल गांव में दिन दहाड़े एक रहवासी मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस निरीक्षक चंपाराम ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी दी कि 31 जुलाई को केरल निवासी दर्जाराम देवासी के सुने मकान के ताले तोड़कर चोरों ने घर से रखी नकदी व सोने चांदी के जेवरातों से हाथ साफ कर दिया था। इस वारदात को लेकर पुलिस ने मामले भी दर्ज किया था। जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर वारदात का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम ने तकनीकी आधार पर अशोक कुमार मीना व कानाराम मीना निवासी रामपुरा की दाढ़ी थाना गुड़ा इंदला को दस्तयाबी कर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात को अंजाम देने स्वीकार किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों आरोपियों से माल बरामदगी के संबंध में अनुसंधान में जुटे है। सुमेरपुर से पुखराज कुमार की रिपोर्ट। यस, इस प्रकरण में श्री दज्जाराम द्वारा यह आरोप लगाया था कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिन में सुबह करीब 9-10 बजे उसके घर से, जब उसकी पत्नी बाहर गई हुई थी, तो उसके घर में से ताला तोड़ करके सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गई। मैंने खुद ने घटनास्थल का मौका देखा, आस पड़ोस से सभी हालात की जानकारी ली, तो अभी हमारे पुलिस की सोर्स लगा करके अन्य कुछ साधनों से जानकारी ली, तो ये जो दो व्यक्ति है, एक तो अशोक पुत्र इंदूराम मीणा तथा दूसरा कन्नाराम मीणा, दोनों एक ही गांव के रामपुरा के ढाणे की, उनको मैं दस्तयाब किया। उनकी लोकेशन उस समय वहाँ पर आई थी घटनास्थल के आसपास के, और फिर उनको पूछताछ की, दोनों उक्त वारदात को करना स्वीकार किया है। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर दिया गया। अभी आगे विस्तृत पूछताछ।